नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज एंड मेंबर गवर्निंग बॉडी इमीडिएट पास्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो आज हम डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। डायलिसिस इन वेरी सिंपल वर्ड्स मीन्स आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट, यानी जब आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी का फंक्शन 15% से कम हो जाता है, जिसे स्टेज 5 किडनी डिजीज़ बोला जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को बॉडी में जो एक्सेस टॉक्सिन्स हैं, एक्सेस वाटर है, निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डायलिसिस बोला जाता है। डायलिसिस फर्दर इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ब्लड डायलिसिस, जिसे हीमोडायलिसिस बोला जाता है। सेकेंड इज़ वाटर डायलिसिस, जिस इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस बोला जाता है। जो ब्लड डायलिसिस है या हीमोडायलिसिस है, ये हफ्ते में 2 से 3 बार मिनिमम करना पड़ता है, एटलीस्ट 4 आवर्स, सो 12 आवर्स पर वीक आपको करना पड़ेगा। और जनरली इट इज़ अ हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट या इन सेंटर बेस्ड ट्रीटमेंट, आपको जाके अपना समय वहाँ पे बैठना पड़ता है, और आपके लिए जो मशीन है वो आपकी बॉडी में से ब्लड निकालती है। मशीन में एक आर्टिफिशियल किडनी लगी होती है, ब्लड उसके थ्रू जाता है और प्योरीफाई होके वो वापस आ जाता है। एंड एज आई सेड, दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 4 आवर्स। इसमें एक न्यूअर एडवांसमेंट आई है, जिसे हीमोडायफिल्ट्रेशन बोलते हैं, वो भी वही मशीन करती है, उसमें एक एडवांस किडनी फिल्टर लगा होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म फॉर ईयर्स ऑन डायलिसिस हैं, उसमें ये देखा गया है कि टॉक्सिन रिमूवल्स बेटर रहते हैं विद हीमोडायफिल्ट्रेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ डायलिसिस इज कॉल्ड वाटर डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें आपकी बॉडी के अंदर एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं टू रिमूव वाटर एंड टॉक्सिन्स। तो एक उससे पहले एक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें एक कैथेटर यानी ट्यूब आपके एब्डोमिनल कैविटी में डाल दी जाती है। जब वो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो एक स्पेशल किस्म का वाटर होता है जो हम बॉडी में डालते हैं आपकी एब्डोमिनल कैविटी में और निकालते हैं। इसको करने के आगे 2 तरीके होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जो मैनुअल प्रोसेस से किया जाता है, यानी वो जो वाटर बैग से वो टांग दिए जाते हैं, विद ग्रेविटी इट गोज इन, 4 से 6 घंटे बाद उसको खाली कर दिया जाता है। ये प्रोसेस दिन में 2-3 बार और रात में भी एक बार कर दी जाती है। रात में आप सोते रहेंगे और ये पेरिटोनियल डायलिसिस चलता रहेगा। इसका एक एडवांस वर्जन है कॉल्ड ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें ये सारी टेक्निक एक साइक्लर, पेरिटोनियल डायलिसिस साइक्लर करती है, यानी वो मशीन जब आप सो रहे होते हैं तो वो इन एंड आउट वाटर करती है, जिससे टॉक्सिन्स और वाटर निकल जाते हैं, सो दैट यू आर फ्री ड्यूरिंग द डे टू कैरी ऑन योर नॉर्मल लाइफस्टाइल। सो डायलिसिस इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसेस, इससे डरिए मत। डायलिसिस को अपना दोस्त बनाइए, सो दैट डिस्पाइट हैविंग स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़, you can lead a healthy kidney life. Thank you.